आपका वेलकम है एक नए ब्लॉग में, और ये ब्लॉग है पुष्कर का, आप देख सकते हैं। और हम पुष्कर की आपको हर चीज दिखाएंगे। छोटा पंचर गाड़ी में है, छोटा पंचर देखिए आप अजमेर में फुल एंजॉय करते हुए। जमुड़े बस का कुछ सीन है, विंडो वाली सीट पकड़ रहे हैं सब लोग। और ये हमारे जमुड़े अनपढ़ गाली खा देते यार, गाली ब्लॉग में डलती फैलना करते तुम तो मैं नहीं ले पाने बहुत थोड़ी के। अरे अजमेर का कुछ सीन भाई, फुल एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, फुल मजा नहीं लाइफ जियो ना 6 माह का ना मजा आने वाला है। आप बस ब्लॉग देखिएगा पूरा। और ये हमारे जमुने कहेंगे आप कुछ सब्सक्राइब का मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता हूँ कि भाई जब भी आए तो 10-20 हजार रुपए लेके आए, नहीं तो खर्चे में तनख्वाह कट जाती है भाई। लोग रेगिस्तान घुमा के लगते हैं, रेगिस्तान में कुछ शूटिंग पॉइंट है लगता है, जैसे कियावती नाटक का है, करण अर्जुन मूवी का, ठाकुर साहब की हवेली है, बंजारों गाना बजाना है, अंदर रेगिस्तान में छोटा सा मार्केट लगता है। वहाँ जाने के बाद अगर आप चाहो तो राजस्थानी कपड़े पहन के फोटो प्रिंट आउट कर सकते हैं। नॉर्मली 1 घंटे का टूर होता है जिसमें आना जाना है, बट जैसे आप वहाँ गए 5 मिनट हवेली पर रुक गए, म्यूजिक के लिए रुक गए, ड्रेसअप करते हैं, डीजल बाइक चलाते हैं, 1.5 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा रेगिस्तान टूर करके वापस आओगे तो यहाँ पे आम लोग बगीचे गुलाबा खेती का बहुत मशहूर होता है। एक ही नाइट में खिलने वाला पहला प्लांट है गुलाब, जो हमारे यहाँ होता है। और जो दरगाह पे या मंदिर पे फूल जाता है वो सारा गुलाब पुष्कर से जाता है। एक ही नाइट में खिलने वाला पहला प्लांट है गुलाब, जो हमारे यहाँ होता है, वो भी दिखा कराते हैं। नॉर्मली 1 घंटे का टूर है जिसमें आना जाना है, बट जैसे आप गए 5 मिनट हवेली पे रुक गए, म्यूजिक के लिए रुक गए, ड्रेसअप करते हैं, डीजल बाइक चलाते हैं, 1.5 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे लग गए कोई दिक्कत नहीं। जाने के 2-3 ऑप्शन है, जैसे एक तो सिंगल कैमल है, एक कैमल पर 2 लोग बैठ के जा सकते हैं, ऐसा कैमल कार्ट है, और एक जिप सफारी है। लोकेशन नियर रेलवे फाटक पुष्कर, पवार कैमल सफारी। धर्मेंद्र पवार मेरा नाम है, मेरे नाम से चल रहा है पवार कैमल, पवार कैमल सफारी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। हमारी भाई बग्गी बुक हो चुकी है, और अब हम लोग जाएंगे रेगिस्तान, वहाँ पर आपको सारे टूर दिखाएंगे, और वहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो आप सबको दिखाएंगे मिलवाएंगे। और भैया ने काफ़ी मदद की है, हेल्प की है हमारी इस चीज़ों में, लेकिन थोड़ी टाइम लगेगा, उसके बाद आपको कई सारी चीज़ों का आनंद मिलेगा। और मेन चीज भाई करण अर्जुन भाई, जिंदगी का मजा तो एक ही चीज में, करण अर्जुन और माता जी, करण अर्जुन और माता जी, करण सेटिंग की सेटिंग, करण अर्जुन की सेटिंग, इसी के लिए तो आए थे भाई जिंदगी में। और दूसरा मकसद जी है, चाय पियो बिस्कुट खाओ भैया, बेहतरीन चीज दिखाते भाई हमारी बग्गी, छोटी बड़ी बग्गी भाई। तो गाइस अभी हम लोग अपनी बग्गी में, और बग्गी में भाई फुल एंजॉय करते हुए चाय पियो बिस्कुट खाओ। ये सीन है भाई, ये है करण अर्जुन वाला मंदिर जहाँ पे शूटिंग हुई थी, ये थोड़ा पास से ये मंदिर है जहाँ पर शूटिंग हुई थी करण अर्जुन वाली। ये कुछ ऐसा सीन है भाई, और करण अर्जुन में जो चूड़ी का मार्केट था ना, वो इस स्लॉट में लगा था, आप उंगली का निशान देख सकते हैं इस स्लॉट में। और दियाबादी की जो शूटिंग थी वो यहाँ पे हुई थी, दियाबादी में एक शूटिंग हुई थी वो यहाँ पे हुई थी। और ये तो आपको पता ही होगा करण अर्जुन का मंदिर है, वो शूटिंग यहाँ पे हुई थी। और भाई ये कुछ ड्रेसअप वाला सीन है, ये कुछ ड्रेसअप का सीन, अब ड्रेस के सारे सीन है। 150 रुपये और 200 में लोगे तो कड़ा आ जाएगा, और भाई इज्जत से बजाना। और गाइस हमारा मंदिर जब मिलेंगे पैसे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। आ रहा मान था प्यार से लगे सनम प्यार जावी तो फीलिंग भाई की, फीलिंग देखो भाई की, तो प्यार में है भाई, बहुत भयंकर प्यार में है भाई। अरे भाई फोन काट दिया भाई ने, भाई अब तो कर ले नादर से बजाते ना। गुंजा
वापस छोड़ते हुए करण अर्जुन वाला सिस्टम भाई कहां पे चलना वहीं पे जा रहे वापस भाई साहब बड़ी देर के बाद बड़ी भूख लगी थी हम लोग आए थे लंच के लिए लंच ही हम लोग कर रहे हैं लंच में बिरयानी खा रहे हैं यहाँ पे गाइस आज थोड़ी भूख लग रही थी बहुत तेज इसलिए हम लोग आए हैं बिरयानी खाने के लिए और नादर भाई भाई किसकी बिरयानी खाओगे भाई बिरयानी गाय की खाओगे गाय बिरयानी गाय की खाओगे गाइस ये अपनी बिरयानी देखिए हैदराबादी बिरयानी कितनी बेहतरीन लग रही है और गाइस ये चलता हुआ हमारा लंच अब नहीं जा रहे हो आवाज उसने दस कर दिया मैंने बजाई लोग आ चुके हैं वापस पुष्कर से और भाई पूरा टूर हो चुका है कंप्लीट और कल हम दिखाएंगे आपको तारागढ़ का सीन या दरगाह का सीन वो डिसाइड करना पड़ेगा कहाँ जा रहे हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और जब तक इस चैनल को वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और वायरल कर दें तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।